स्वाति जी, क्या कानून के नजरिए से अगर हम देखें इस पूरे मामले को, तो दिशा की मौत की गुत्थी एक तरफ, सुशांत की मौत की गुत्थी दूसरी तरफ, एक चीज को बंद करने की कोशिश करती है महाराष्ट्र सरकार, लेकिन उस पर से पर्दा उठाने के लिए हम लगातार मुहिम चलाते हैं, न्यूज नेशन मुहिम चलाता है और देश के लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। जरूरी है कि पहले दिशा मामले की गुत्थी सुलझे, यानी कि दिशा मामले की जो पहली है उस पर से पर्दा उठाया जाए। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि दिशा जो है वो एक्स मैनेजर थी सुशांत की, और उनके डेथ सुसाइड या मर्डर जो भी कह लें, उसके 6 दिन के बाद ही सुशांत का क्या कह सकते हैं, मर्डर सुसाइड जो भी है वो हत्या वो हुआ। तो जब तक दिशा के मैटर से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तब तक सुशांत के मैटर से चीज़ें बहुत क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगता है कि आपस में रिलेटेड हैं, बिकॉज दिशा उनकी एक्स मैनेजर थी और उसके ही डेथ के बाद, उसके ही सुसाइड या मर्डर जो भी कहें, 6 दिनों के बाद सुशांत के साथ ये इंसिडेंस होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों को रिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात, मुंबई पुलिस की अगर कोई भी टेरिस से कूद करके सुसाइड करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, तो उसकी बॉडी कितनी दूर जाएगी? यहाँ पर तो मुंबई पुलिस को 26 फिट दूर उसकी बॉडी मिली है, जो तो प्रिमाफिसाई ये शो करता है कि उसे उठा करके फेंक दिया गया है। इतनी बारीक जाएगी इसकी जांच तो छोड़िए, पुलिस ने इतना मुनासिब नहीं समझा कि कम से कम इस हत्या के मामले में, जिसे चश्मदीद हत्या बता रहा है, इस सुसाइड के मामले में जिसे पुलिस सुसाइड बता रही है, लेकिन हम कह रहे हैं ये वो मौत है जिसकी पहली अभी सुलझनी बाकी है।